हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर के जैविक और मनोवैज्ञानिक कारण। तो ये बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर ही चल रहा है, जैविक और मनोवैज्ञानिक कारक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं अबनॉर्मल बिहेवियर के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स, इसमें कौन कौन से कारक आते हैं। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं कि जैविक और मनोवैज्ञानिक कारकों की भांति सामाजिक कारक भी मानसिक विकार के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सामाजिक कारक क्या क्या होते हैं, जैसे शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अत्यधिक तनाव, अत्यधिक रफ्तार तेज होने के कारण चिंता जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक नियम कारक प्रभावित करते हैं। कुछ समुदायों के रीति रिवाज उन अनुशासन का ढंग, दंड देने का ढंग आदि भिन्न भिन्न होता है। तो ये सभी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो ये कभी किसी किसी समुदाय में अनुशासन का ढंग या दंड देने का ढंग इस प्रकार का होता है, वहाँ के रीति रिवाज या नियम इस तरह से होते हैं कि वो असमान व्यवहार के लिए प्रभावित करते हैं, असमान व्यवहार का कारण बन जाते हैं। क्योंकि इन कारकों की वजह से व्यक्ति में चिंता और तनाव उत्पन्न होता है। चिंता और तनाव का अत्यधिक होना मानसिक विकार उत्पन्न होने का कारण बन जाता है। तो सामाजिक कारक में भी कई आते हैं, जैसे युद्ध और हिंसा। ठीक है, जैसे युद्ध नंबर एक क्या आता है, युद्ध और हिंसा। तो युद्ध और हिंसा, एक और सामान्य अधिकारों के सुरक्षार्थ युद्ध आवश्यक हो जाता है ना, अधिकारों के लिए युद्ध आवश्यक हो जाता है। लेकिन कब युद्ध जो ऐसी युद्ध की स्थिति आती है और हिंसा के बाद जो लोगों पर, उस देश पर जो प्रभाव पड़ता है, वह परिवारों के विघटन का कारण बन जाता है। और परिवारों में या समाज में, उस देश में असमानता की ओर प्रभावित कर देता है ऐसा व्यवहार। और आजकल जो युद्ध हो रहा है, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग इतना अधिक किया जाता है कि युद्ध बहुत ही विध्वंसकारी होते चले जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव, परिवार टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, उसका प्रभाव उनके परिवार के सदस्यों पर पड़ता है और उनके अंदर मानसिक रोगों की, विकारों की संभावना बढ़ जाती है। युद्ध की स्थिति में देश में बाकी लोगों में व्याप्त तनाव पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है, जो असमान व्यवहार का कारण बन जाता है। चिंता, तनाव, है ना, युद्ध और हिंसा की स्थिति में यही तो होगा कि लोगों के अंदर चिंता, भय, तनाव उत्पन्न होगा और उसका प्रभाव व्यवहार पर पड़ेगा, व्यवहार असमान होना शुरू हो जाता है इसके कारण। ठीक है, युद्ध और हिंसा इस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के रूप में प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है समूह पक्षपात। समूह पक्षपात इसके बाद आता है समूह पक्षपात तथा प्रजातीय भेदभाव। समूह पक्षपात तथा प्रजातीय भेदभाव। ठीक है, तो ऐसा बहुत से समाज में क्या होता है
कि जाति के आधार पर जाति को एक भेदभाव का कारण बना देते हैं। अलग अलग तरह की जातियों के साथ लोग अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अपने भारत में भी जाति के नाम पर भेदभाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बहुत इसमें भेदभाव के कारण यह कभी बहुत तीव्र और उग्र रूप भी ले लेती हैं। प्रजाति भेदभाव और समूह पक्षपात, ये एक समूह के लोगों को दूसरे समूह के लोग अलग दृष्टि से देखते हैं ना, तो समूह ये समूह पक्षपात कहलाता है। अपने समूह को ऊंचा और दूसरे समूह को नीचा दिखाना, इस तरह का भेदभाव जो हमारे समाज में व्याप्त रहता है, इसका प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता पर पड़ता है, जिसके कारण मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। तो हर व्यक्ति में एक जैसा मानसिक स्वास्थ्य नहीं होता। हर व्यक्ति सभी समस्याओं या सभी परिस्थितियों के साथ समायोजन कर पाने में सक्षम नहीं होता है। तो जिन लोगों पर ऐसा होता है उनके ऊपर मानसिक विकार उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो समायोजन करने में असफल होते हैं, असमर्थ होते हैं, उनमें मानसिक विकार उत्पन्न होने की। तो जब समूह पक्षपात बहुत अधिक होता है या प्रजाति भेदभाव बहुत अधिक सीमा में होता है, तो इसका प्रभाव भी असमान व्यवहार का कारण बन जाता है। इसके बाद आता है आर्थिक एवं व्यवसायिक समस्याएं। तो आवश्यक नहीं है कि सभी की आर्थिक स्थिति सामान्य हो। बहुत से लोगों को आर्थिक स्थिति खराब का सामना करना पड़ता है, और हमारे समाज में निम्न आर्थिक स्तर वाले व्यक्तियों का वो सम्मान, उस तरह का व्यवहार उनके साथ ना होने के कारण उनके अंदर कुछ ऐसे मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, हीन भावना के कारण, क्योंकि वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं बना पाते। अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण ना कर पाने के कारण वह उच्च महत्वाकांक्षा निर्धारित करते हैं, लेकिन वह उनको पा नहीं पाते हैं। जब ऐसा पा नहीं पाते हैं और उनकी उसके कारण उनका व्यवसाय, उनका रोजगार उस स्तर का ना हो पाने के कारण आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ता है, और उसका आर्थिक स्थिति निम्न होने का प्रभाव लोगों के व्यवहार के साथ उनको सामना करना पड़ता है। इसका प्रभाव उनके मानसिक मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसके कारण उनके अंदर चिंता, तनाव आदि उत्पन्न होते हैं, कि जिस तरह की महत्वाकांक्षा लाइफ में वो चाहते थे जीवन में, वो उनको प्राप्त नहीं हुई। इससे उनके अंदर चिंता और तनाव उत्पन्न हुआ। तो आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जाती है। उच्च आर्थिक स्तर की अपेक्षा निम्न आर्थिक स्तर वाले लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना अधिक करना पड़ता है। और व्यावसायिक समस्याएं क्या हैं, कि रोजगार की समस्या, जैसे हर एक को उसके मन मुताबिक रोजगार ना मिल पाना, ठीक है। तो सभी को तो जैसा वो चाहते हैं वैसा रोजगार नहीं मिल पाता। बहुत से लोग तो बेरोजगार ही रह जाते हैं, और बेरोजगारी के कारण उन्हें बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि उनको पालन पोषण तक की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं उनको असमान व्यवहार की तरफ ले जाती, मानसिक विकार उत्पन्न कर देती। कभी कभी बहुत अधिक आर्थिक समस्याएं या व्यावसायिक समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या तक करने की कोशिश लोग करने लगते हैं। इस तरह का मानसिक विकार भी उत्पन्न होता है। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में आर्थिक समस्याएं और व्यावसायिक समस्याएं भी प्रभावित करती हैं असमान व्यवहार के लिए। इसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन। पुराने मूल्यों में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन, नए मूल्य स्थापित हो रहे हैं। इस तरह से हमारे समाज में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव
भी व्यक्ति की अभिवृत्तियों, मूल्यों आदि पर पड़ता है, है ना। तो सामाजिक व्यवहार का, सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, जो ये दिन पर दिन चेंजिंग हो रही है, मशीनीकरण हो रहा है, कंप्यूटराइज हो रहा है, और ऑनलाइन, जैसे कि अब आप समझ लीजिए ये भी एक तरह का सामाजिक परिवर्तन है ना, कि बहुत से लोग नए परिवर्तन के साथ एडजस्ट, समायोजन नहीं कर पाते हैं, या उनको करने में परेशानियां आती हैं, या उनको सामाजिक रूप से जब परिवर्तन हुआ है तो उसके साथ वे उस रेस में दौड़ नहीं लगा पाते, तो वो पीछे रह जाते हैं। जब वो इस तरह की दौड़ में पीछे रह जाते हैं तो उनके अंदर एक हीन भावना उत्पन्न होती है और वो असमर्थता उत्पन्न होती है। वह उस दौड़ में साथ जब नहीं दौड़ पाते, पीछे रह जाने के कारण उनके अंदर चिंता, तनाव और भविष्य के प्रति चिंता, है ना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जाते हैं मानसिक दबाव डालने के लिए और मानसिक विकार उत्पन्न करने के लिए। आज व्यक्ति क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, है ना, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के वातावरण में बहुत कुछ बदल गया है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बेरोजगारी आ गई है, इसके कारण व्यक्ति का व्यवहार बहुत कुछ बदल गया है, और इस सामाजिक परिवर्तनों के कारण व्यक्ति का विघटन होता जा रहा है। अब व्यक्ति, मतलब आपस में लोग परस्पर सहयोग से नहीं बल्कि विघटित रूप से रहना शुरू कर दिया, एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते इस महंगाई के समय में, है ना। तो ये विघटन के फलस्वरूप क्या होता है, आत्महत्या, अपराध भावना, इस तरह की भावनाएं जन्म लेती हैं। तो ये एक मानसिक विकार ही हुआ ना, अपराध या मान लो आत्महत्या, तो ये सब मानसिक विकार में ही आता है, और ये सामाजिक परिवर्तन ही इसका जिम्मेदार हो रहा है धीरे धीरे मानसिक विकारों के लिए। इस तरह से सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं असमान व्यवहार के लिए। और जो ये सामाजिक परिवर्तन के विघटन हुआ है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, अनुशासनहीनता बढ़ गई है, मन मुटाव हो रहा है लोगों में आपस में, अनुशासनहीनता, यानी कि जब परिवार छोटे हैं तो लोगों का कंट्रोल कम हो रहा है, बच्चे एकलौते बच्चे हैं, है ना, घर में एक ही बच्चा है तो वो बहुत अधिक लाड़ प्यार से रखा जा रहा है, अनुशासन नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर, मन मुटाव होता है आपस ही, है ना। और ऐसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आता है। इस तरह से ये हमारे अब नॉर्मल बिहेवियर के सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं जो व्यवहार को मानसिक विकार उत्पन्न करने के लिए प्रभावित करते हैं, ठीक है।